उत्तर प्रदेश के महोबा में आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। चैन स्नैचिंग से लगाकर चोरों द्वारा तमाम बड़ी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इसी बीच दबंगों द्वारा एक व्यक्ति के अपहरण की नाकाम कोशिश ने खाकी को सवालों के कटघरे में ले जाकर खड़ा कर दिया। जनपद में आवाम के बीच दबी जुबान से अपराध को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सवाल सिर्फ एक ही निकल कर सामने आ रहा है कि आखिर कैसे अपराध के ग्राफ पर नकेल कसने में खाकी नाकाम साबित हो रही है। ताज़ा मामला एक अपहरण से जुड़ा हुआ है, जिसे अपहरणकर्ताओं द्वारा नाकाम कोशिश की गई। फुलप्रूफ प्लानिंग दिलीप के अपहरण की बनाई गई थी, लेकिन भूलवश महेंद्र को अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया। जब इस बात की जानकारी अपहरणकर्ताओं को लगी तो उन्होंने महेंद्र के साथ पहले तो मारपीट की, फिर उसे जबरन गाड़ी से उतार कर फरार हो गए, जिसकी जानकारी महेंद्र ने इलाकाई पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस द्वारा जाँच पड़ताल शुरू कर अपहरणकर्ताओं की तलाश की जा रही है। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। आज आपने कोतवाली में एक तहरीर दी है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला यह है कि मैं सुबह सात के टाइम पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया जितेंद्र कुमार, उसने मेरी आगे वाला कैमरा चला के मेरी फोटो ली है और मेरी फोटो लेकर थोड़ी देर में वहाँ से निकला हूँ और यहाँ आके बैठ गया। उसने बोलेरो गाड़ी पे बुलवा के चार से आदमी और मेरे खुवाने के लिए भेजी थे और मेरी जगह दूसरा आदमी व्यक्ति को पकड़ के ले गए हैं। अच्छा, नहीं तो जीतन से कोई आपका नहीं विवाद विवाद ना? मेरे जीतन से कोई विवाद कोई कुछ नहीं है, उससे कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कोई लेन देन कुछ नहीं है। अच्छा, आपने कोतवाली में क्या मांग की है? मैंने कहा कि मेरा इंसाफ हो मिले और कि उसके खिलाफ कार्रवाई की है या मेरी जान को खतरा है। क्या नाम है आपका? महेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या घटना हुई सुबह आपके साथ? बोलेरो वाइज उसमें से चार लोग उतरे, तेजाब भी उतरा, वो पकड़ा मुझे मारपीट के, मतलब थप्पड़ मार के गाड़ी में बैठ के ले गए। फिर मेरे से पूछताछ की, फिर उसने फोटो मिलाई, फोटो निकली दिलीप की, मुझे जाके नहर पे छोड़ दिया। कह रहे नहीं तुम्हारे लिए नहीं आए, तुम दिलीप के लिए आए थे। दो तीन बंदूक थी, बंदूक दो तीन थी। किसके लिए आए थे? दिलीप के लिए आए थे। दिलीप की फोटो मिलाई जब मुझे छोड़ दिया, दिलीप की फोटो निकली हो। मैंने कहा ये तो दिलीप है। अच्छा। कहते हम दिलीप के लिए कोई बात नहीं तो तुम जाओ। मेरे से वो फोटो मैच करी मेरी लुक्स की, नहीं निकली, दिलीप की फोटो थी, मैंने पहचान लिया कि तो दिलीप है। कह रहे थे कोई बात नहीं हम दिलीप के लिए आए तो तुम जाओ। और कुछ कहा? और कुछ नहीं कहा। भैया आपने कोतवाली में तहरीर दी है? हाँ जी, एप्लीकेशन दिया था। तो क्या सुबह से पुलिस आई यहाँ पे? अभी तक नहीं आई साहब। अभी नहीं आई? अभी नहीं आई। ये घटना कितने बजे की है सुबह? 8:30 बजे की है। अपहरण से जुड़ा नाकाम कोशिश का ये मामला चरखारी थाना क्षेत्र के सहजना मार्ग का है, जहां असलहधारी अपहरणकर्ताओं द्वारा महेंद्र नाम के व्यक्ति को भूलवश उठा लिया गया। जब उन्होंने मोबाइल से उठाए गए व्यक्ति की फ़ोटो मिलाई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, जिसके बाद उन्होंने पहले तो महेंद्र के साथ मारपीट की, वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद महेंद्र को गाड़ी से उतार कर रफू चक्कर हो गए, जिसकी सूचना महेंद्र ने इलाकाई पुलिस को दी। इसी के साथ ही महेंद्र ने एक लिखित तहरीर देकर थाना चरखारी पुलिस से अपहरण की नाकाम कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल अपहरण दिलीप का किया जाना था और भूलवश महेंद्र को अपहरणकर्ताओं ने उठा लिया। जब इसकी जानकारी उन्हें हुई तो उन्होंने महेंद्र के साथ मारपीट कर उसे गाड़ी से उतार कर भाग निकले। मोहम्मद आजाद चौधरी, दस्तक लाइव न्यूज़, महोबा।